आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम 4 बजे के साथ चार बड़ी खबरों की। वाराणसी के ज्ञानवापे मस्जिद परिसर के मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। जी हां, परिसर के संपूर्ण एएसआई सर्वे की याचिका को मंजूरी मिल गई है और जिला अदालत में सर्वे की याचिका को मंजूरी दे दी गई है। इस मामले में 22 मई को अगली सुनवाई होगी। वही मुस्लिम पक्ष 19 मई को अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। वाराणसी जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातात्विक संगठन विभाग यानी कि वाराणसी के ज्ञानवापे मस्जिद परिसर के वजू खाने में मिले शिवलिंग जैसे आकृति की कार्बन डेटिंग जांच के आदेश दिए थे। तो वही आज परिसर के संपूर्ण एएसआई सर्वे करने को मंजूरी दे दी गई है। तो ज्ञानवापे मामले में अब एक नया मोड़ सामने आ चुका है, जहां परिसर के संपूर्ण एएसआई सर्वे की याचिका को मंजूर भी कर लिया गया है। जिस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख भी घोषित हो गई है। तो वही मुस्लिम पक्ष 19 मई को अपना पक्ष रख सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, अब परिसर के संपूर्ण एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई है और क्या कुछ अपडेट आप तक मिल पा रही है? कहीं ना कहीं मामला उठा था और आज अगर बात की जाए इस मामले को लेकर, जो मंदिर में पूजा का अधिकार मांगने वाली 4 वादियों की तरफ से आज फिर एक प्रेस नोटिस दाखिल की गई, जिसका कोर्ट की तरफ से आज इसको स्वीकृति मिली है। और जिसमें साफ तौर से अगर मुस्कान बात की जाए तो ज्ञानवापी परिसर पर कहीं ना कहीं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे की स्वीकृति मिली है। आपको बता दें कि अब अगर बात की जाए तो पुरातत्व विभाग से हर एक पहलुओं को कहीं ना कहीं खंगालेगा जानेगा। और आपको बताएं कि ये मामला 1 साल से कोर्ट में चल रहा है। 1 साल से लगातार माननीय कोर्ट इस मामले पर निगाहें बनाए बैठे हैं। और बात की जाए तो हिंदू पक्ष से 4 वादनी लगातार अपने पूजा का अधिकार मांग रही है। आज ठीक है विभाग, जिस तरीके से एएसआई सर्वे को लेकर लगातार जो मुस्लिम पक्ष था वो लगातार अपनी दलीलें पेश कर रहा था, तो जाहिर सी बात है जब आज संपूर्ण परिसर को मंजूरी दे दी गई है तो मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें कब रखेगा, अपना पक्ष कब रखेगा, क्या कुछ तिथि दी गई है? ऐसे इस मामले को लेकर अगर बात की जाए तो आने वाले 21 मई को माननीय कोर्ट इस पर अपना रुख पेश करेगा। उससे ठीक पहले अगर बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष के लिए 19 मई से पहले आपत्ति दाखिल करनी होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या 19 तारीख को इस मामले को लेकर क्या आपत्ति जताई जाती है, और आपत्ति में अगर बात की जाए तो किन दलीलों को रखा जाता है सामने। बिल्कुल विभांशु, आज की बड़ा और अहम फैसला लिया गया है और जब इस याचिका को मंजूर किया गया तो जो हिंदू पक्ष है उनकी तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई जिसके बाद इस याचिका को मंजूरी मिली है? जी, साफ तौर से अगर देखा जाए तो हिंदू पक्ष की तरफ से जिन 4 वादियों की एक याचिका के बाद ये मामला प्रकाश में आया है, उनका साफ तौर से मांग है कि हमें जो गौरी सिंगार मंदिर जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर में है, जो साल में एक दिन कहीं ना कहीं तमाम जो पूजा अर्चना के लिए लोग पहुंचते हैं उन्हें एक दिन पूजा का अधिकार दिया जाता है, और इन 4 वादियों की अगर कथन को हम देखें केस के अंदर में तो साफ तौर से निकालना है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जो गौरी श्रृंगार का मंदिर है उसे हम हर दिन पूजना चाहते हैं अपने पूजा पद्धति के अनुसार। आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो आपने देखा कि 1 साल से लगातार ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को 7 लेयर सिक्योरिटी के तहत पूरा प्रिजर्व किया गया है जिससे कोई अनैतिक घटना ना हो सके। साथ ही आपको बताएं कि पूर्व में अगर बात की जाए तो वजूखाने से लेके दीवार तक की कार्बन डेटिंग की गई थी, वजूखाने से मिले पत्थर की भी कार्बन डेटिंग की स्वीकृति मिली थी। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है उसके हर एक कमरे को वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, जो कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर में सबूत के तौर पर पेश किए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आज कहीं ना कहीं सर्वे का स्वीकृति मिला है और आने वाले दिनों में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे करके अपनी रिपोर्ट
फेस करेगा। अब देखने वाली बात ये भी होगी मुस्कान कि इस मामले को लेकर जहाँ हिंदू पक्ष लगातार गौरी श्रृंगार मंदिर के अंदर में और अगर देखा जाए तो ज्ञान व्यापी मस्जिद परिषद के अंदर में जो नजीखाना का स्थान है वहाँ पे शिवलिंग का दावा कर रहा है, तो वही मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर कोर्ट में लगातार ये कहते हुए भिजवा रहा है कि वो शिवलिंग नहीं सुहा रहा है। अब कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और जांच के बाद साफ होगा कि आखिर शिवलिंग है या सुहारा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या 21 तारीख की सुनवाई में क्या कोर्ट अपना रुख रखता है और एएसआई के समय में क्या क्या चीजें नई सामने आती है। बिल्कुल हिमांशु, ये माना जाए कि 19 से पहले जो मुस्लिम पक्ष है वो अपनी आपत्ति जो है वो दायर कर सकता है, यानी कि जो सुनवाई होनी है वो 19 को ही होगी जो मुस्लिम पक्ष के जो सुनवाई होनी है। नहीं, यह बात की जाए तो आज इस केस के वकील विष्णु शंकर की तरफ से चारों वादनी आज बनारस के जिला अदालत पहुंचती है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशी पहुंचती है, वहां पर एक और याचिका डाली जाती है जिसके बाद एएसआई के सर्वे की स्वीकृति मिलती है। उसके ठीक बाद आपको बता दें कि फैसले को लेकर इसके आने वाले 21 मई को अब कोर्ट का इसमें कहीं ना कहीं अपना रुख बताएगा। उससे ठीक पहले अगर बात की जाए तो 19 मई तक मुस्लिम पक्ष के जो तमाम वकील हैं और पक्षकार हैं वो कहीं ना कहीं आपत्ति जता सकते हैं। वो आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा कि उनकी तरफ से आपत्ति जताई जा रही है नहीं। अभी अगर बात की जाए तो ज्ञान व्यापी मामले के वकील विष्णु शंकर की तरफ से कहा गया है कि मैं इन चारों बादली और समस्त जो मंदिर परिसर में पूजा करने का अधिकार मांग रहे हैं उनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा और कोर्ट को तय करना है कि आखिर इस पर क्या फैसला उनकी तरफ से। ठीक है विभांशु, जिस तरीके से आज जो पूरे परिसर को एएसआई द्वारा से एक सर्वे की जो याचिका थी उसको मंजूरी तो दे दी गई है, तो क्या अभी तक इस मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से मीडिया के सामने कुछ कहा गया है या फिर नहीं? जो बिल्कुल साफ तौर से अगर देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं अगर बात की जाए हिंदू पक्ष के वकील और साथ ही साथ चारों जो वादिनी है तो इस केस में कहीं ना कहीं अपना पूछे का अधिकार मांग रही है। उनकी तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि हमें मंदिर में पूजा करने का अधिकार दिया जाए, जो हम साल में एक दिन पूजा करते हैं वो हम हर दिन पूजा करना चाहते हैं, अपने पूजा पद्धति के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने भगवान के सामने शीश झुकाना चाहते हैं। इन सभी दलीलों के साथ वो कोर्ट में लगातार अपनी बातों को कहते हुए नजर आ रहे हैं। वही जब बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष की पूर्व की बात करें तो वो कहीं ना कहीं ज्ञान व्यापी मस्जिद को मस्जिद बताते हुए और शिवलिंग को फुहारे बताते हुए जमीन दे रहे हैं। अब माननीय कोर्ट को तय करना है इस मामले को लेकर उनका क्या रुख रहता है। बिल्कुल भांशु, अब तो ये कोर्ट ही तय करेगा कि इस मामले पर उनका क्या रुख होता है, क्या उनका फैसला होता है, ये फिलहाल कोर्ट के हाथ में हम छोड़ते हैं। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए भांशु। तो निकाय चुनाव में बंपर जीत के बाद अब बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी अपनी क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक 17 मई से शुरू करेगी जो कि 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में होगी। इसके साथ ही बीजेपी लोकसभा चुनाव की शुरुआती तैयारियों पर भी मंथन करेगी। बता दें कि बैठक 17 मई को पश्चिम और काशी क्षेत्र में होगी और उसके बाद 18 मई को ब्रज गोरखपुर और 19 को ये बैठक अवध और कानपुर में होगी। तो 17 मई से बैठकों का दौर शुरू होगा, उस दौरान 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में ये बैठक होनी है। तो निकाय चुनाव जीतने के बाद अब भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसके लिए 17 मई से जो बैठकों का दौर है वो भी चालू हो जाएगा। 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में ये बैठक होगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब 2024 की तैयारियों में भाजपा जुट गई है, इसके लिए 17 मई से बैठकों का दौर भी चालू होगा, किस तरीके से और कहाँ कहाँ ये बैठक होगी और इस बैठक में कौन कौन शिरकत कर सकता है? सबसे अहम ये है कि यहाँ पर निकाय चुनाव की जीत जरूर मिली है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को कर्नाटक चुनाव जो हारे हैं उसको पीस भी है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के रास्ते केंद्र की कुर्सी में पहुंचा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कोई कुर्सी ना छोड़ी जाए, उसके लिए मेहनत की जाए, रणनीति बेहतर, उसके लिए बैठक की जाएंगी। और फिलहाल जो जानकारी के मुताबिक यहाँ पर 17, 18, 19 मई 3 दिन बैठक चलेगी और बैठक में अलग अलग क्षेत्र को दिखाया जाएगा। अगर हम बात करें 17 मई की तो इस दिन पश्चिम और काशी क्षेत्र के लोग बैठक होगी, इसके बाद 18 काशी क्षेत्र के लोग बैठक होगी, इसके बाद 18 मई की बात करें तो यहाँ पर गोरखपुर की बैठक होगी, ब्रज की बैठक होगी और अगर हम 19 मई की बात करें
तो यहाँ पर अवध और कानपुर क्षेत्र की बैठक होगी। बैठक के माध्यम से रणनीति बनाई जाएगी, जो खामियां रही है चुनाव में उसको दुरुस्त किया जाएगा और जो कर्नाटक चुनाव में गलतियां दोहराई हैं उन गलतियों को यहाँ न दोहराया जाए, क्योंकि पिछला पन्ना बहुत बेहतर रहा था, सुखद रहा था और बीजेपी सोचती है कि उत्तर प्रदेश में बाजी मार ली तो कहने का निकाय चुनाव की जो एक लाभ है वो हमको यहाँ मिलता नजर आएगा और आगामी 24 आम चुनाव में भी बीजेपी यहाँ पर हैट्रिक मार्च नजर आएगी। बिल्कुल गौरव, जाहिर सी बात है कि निकाय चुनाव के बाद कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक बूस्टर डोज तो मिली है और जहाँ अब बैठकों का दौर भी शुरू हो जाएगा तो इन बैठकों में किस तरीके से रणनीति को तैयार करने का प्रयास करेगी भाजपा? देखिए अगर हम बात करें मुस्कान, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कल भी हमने जानकारी की थी कि 30 मई से 30 जून तक अभियान भी चलाया जा रही है बीजेपी द्वारा। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर संपर्क स्थापित किया जाएगा, पदाधिकारी सांसद विधायक जनता तक पहुंचेंगे, तो एक अभियान है ये लोकसभा क्षेत्र का, ये हो गया। दूसरी बैठक की बात करें उत्तर प्रदेश में कैसा चुनाव लड़ना है, क्योंकि हाल में जो परिणाम आए हैं परिणाम से अगर बीजेपी को यहाँ बूस्टर डोज मिली है तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी ये भी है कि ओबीसी पार्टी को भी जनाधार मिला है, आपकी कांग्रेस को भी यहाँ पर लाभ मिला है, आम आदमी पार्टी को भी लाभ मिला है, तो अगर यहाँ पर विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो कहीं बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ सकती है और बीजेपी उत्तर प्रदेश कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए बैठकों का दौर जारी रहेगा। बैठक में भी यही रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह यहाँ चुनाव लड़ना है और किस तरह अपनी योजनाओं को अपनी नीति जनता तक पहुँचाना है, कि जनता तक बात पहुँचाना बहुत जरूरी है। हमने देखा निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्रणी बढ़कर आगे बढ़कर 55,000 सभाएं की, उनके तमाम मंत्री भी सभाएं करते नजर आए, उसका लाभ उनको निकाय चुनाव में मिला है, तो आगामी जो आम चुनाव है 24 का उसके लिए रणनीति क्या रहेगी, कैसे यहाँ पर खाके खींचे आएगा, सम्मेलन होंगे, मुस्लिम वर्ग को कैसे अपने पाले में करने का प्रयास करेगा, ओबीसी वर्ग को कैसे पाले में प्रयास करेगा, कौन इन वर्गों को प्रतिनिधित्व करेगा, कैसी रणनीति रहेगी, इसी पर चर्चा होगी। मुस्कान, बिल्कुल गौरव, भले ही यूपी के निकाय चुनाव ने भाजपा को थोड़ी राहत दी है लेकिन कर्नाटक के नतीजों पर एक नजर डाले तो भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो वहां की जो भी खामियां थी, जो भी खामियां या कमियां पाई गई थी उससे किस तरीके से भाजपा सीख लेगी? देखिए मुस्कान, अगर कर्नाटक के जो चुनाव की बात करें तो खामियां बात कुछ नहीं थी, वहां मेहनत की गई थी और आपको बता दें जो सीटें आई हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी है, बड़े नेता, उनके द्वारा लगातार प्रचार किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां प्रचार पे गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जनसभा की, रोड शो किया, उसका उनको लाभ मिला है और हार हुई है, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर बीजेपी पिछड़ गई है, उन पर चुनाव नहीं लड़ पाई। जो धार्मिक मुद्दे का जो व्यवस्था कांग्रेस ने बना दी थी बजेंद्र दल को बैन करने को लेकर, उसी पिच पर बीजेपी खेलती नजर आई, तो कहीं ना कहीं इस पर सोचना होगा, क्योंकि जो हर जगह के स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं, कर्नाटक के स्थानीय मुद्दे अलग हैं, उत्तर प्रदेश के स्थानीय मुद्दे अलग हैं, तो मुद्दे अलग अलग होते हैं, उसी हिसाब से एजेंडा तय होना चाहिए और केवल एक नीति पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। भारत विविधताओं का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न जाति प्रजाति का देश है, विभिन्न सभ्यताओं का देश है, तो यहाँ पर सभ्यता के हिसाब से, राज्य के हिसाब से आपको एजेंडा बनाना पड़ेगा और जब स्थानीय मुद्दे आप लेंगे उस एजेंडे के हिसाब से काम करें, रणनीति बनाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। कि दक्षिण भारत में अगर अपने आपको सफलता मिली है और फिर वहां पर आप अगर चुनाव हार जाते हैं तो कहने का आपकी अनदेखी है, आपकी जवाबदेही वहां पर हिला बहाली हुई है, आपके नेता द्वारा वहां काम नहीं किया गया है, संगठन स्तर पर मेहनत नहीं हुई है और यही परिणाम आपके सामने। मुस्कान, बता रहा हमारे बिल्कुल गौरव, ये कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव में भाजपा ने प्रदर्शन अच्छा किया लेकिन उसी निकाय चुनाव की एक तस्वीर और भी है कि तमाम भाजपा के दिग्गज नेता अपना वार्ड और अपना क्षेत्र तक नहीं बचा पाए, तो क्या लोकसभा चुनाव में ये दिग्गज नेताओं की एक अग्नि परीक्षा भी होगी यूपी में? देखिए ये व्यवस्थाएं चलती रहती है। मुस्कान, अगर हम बात करें पीसीएम के सपदा मोर्चा की तो वो भी सिराथू के यहाँ पर चुनाव हार गए थे, तो यहाँ पर व्यवस्था है, जनमत किसको मिलता है और तमाम बड़े नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार चुके हैं, इंदिरा गांधी भी चुनाव हार चुकी है और स्पष्ट चीजें बताती है कि क्या बेहतर होता है, कैसे चुनाव लड़ा जाता है, यहाँ पर जनमत किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है, जनाधार बदलता रहता है, जनाधार किस तरह बदलेगा, किस तरह जाएगा वो जनता जनार्दन तय करती है, तो यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं कर सकते कौन हारे कौन जीता। अगर जिस तरह से प्रयागराज में नंदी का जो वार्ड है, जो नंदी है उनके बाढ़ राज्य क्षेत्र में रहते हैं, वहां बीजेपी चुनाव हार गई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई रणनीति स्पष्ट नहीं होती है, जनता किसको वोट देगी, पर जनता का अगर नीति पहुंचाएंगे, बेहतर प्रयास करेंगे, सभाएं करेंगे और जनता को विश्वास दिलाएंगे तो जनता आपको यहाँ वोट देती है और आपको जिताती है। और हम स्थानीय निकाय चुनाव की बात करें तो यहाँ पर पार्टी ज्यादा व्यक्ति की विशेष सभी को विशेष होती है, ये गली की सरकार है, शहर की सरकार है और यहाँ पर पार्टी के बाद में देखा जाता है, पहले व्यक्ति विशेष के चरित्र को, व्यक्ति विशेष की समझता को, व्यवस्था को देखा जाता है कि उसने समाज के लिए क्या किया है। बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से बीते दिनों ममता बनर्जी और आज अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत होगी वो उनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे, तो अगर वाकई में विपक्षी पार्टियां इसी रणनीति पर चलती है तो उसका खामियाजा क्या भाजपा भुगत सकती है और उससे पार पाने के लिए भाजपा क्या कुछ उम्मीद और कयास जो प्रयास है वो करती हुई दिखाई दे सकती है?
देखिए मुस्कान, विपक्षी एकता को अभी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव कलकत्ता गए थे, उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से स्पष्ट नहीं कर पाए थे, वहां से उन्होंने संदेश दिया था कि कांग्रेस अपना देखे, पहले जहां पर जाए वहां मजबूत रहे, तो कहीं विपक्षी एकता की बात तो होती है पर कांग्रेस को यहाँ पर अलग थलग किया जाता है। अखिलेश यादव अपनी अलग नीति बनाते चले आ रहे हैं, एक अलग मोर्चा तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहले मोर्चों को एक होना पड़ेगा और कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, दशकों देश में राज किया है, तो बिना कांग्रेस के फिलहाल विपक्षी एकता को संभव नहीं मानते हैं। फिलहाल कांग्रेस को यहाँ संजीवनी मिली है, कांग्रेस यहाँ बेहतर तरीके हिमाचल जीत कर आई है, कर्नाटक जीत के आई है, तो कहीं कांग्रेस का यहाँ पर जो स्थिति है वो बेहतर नजर आ रही है। आने वाले समय में विपक्षी एकता किस तरह और बेहतर होगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी विपक्षी एकता को बहुत ज्यादा गौर से निकल लेती है, पर हाँ कांग्रेस पार्टी को आपको ध्यान देना होगा कि बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, दशकों सरकार चलाई है, तो कहीं नहीं अगर बीजेपी कांग्रेस को हल्के में लेगी तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नुकसान बिल्कुल गौरव, जाहिर सी बात है कि किसी भी पार्टी को कम आंकना बिल्कुल भी अभी भाजपा के लिए सही नहीं होगा। धन्यवाद गौरव हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो आपने सुना कि हमारे सहयोगी ने साफ तौर पर बताया कि भाजपा कहीं ना कहीं रणनीति को तैयार तो कर रही है, बैठकों का दौर भी जारी हो जाएगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच जो कि 17 मई से शुरू होगा। इस दौरान 2024 की क्या कुछ तैयारियां होंगी, किस रणनीति पर भाजपा प्रचार करेगी और जनता के बीच किस तरीके से वो अपनी नीतियों को ले जाएगी, इसके लिए भी एक रोड मैप इन बैठकों के जरिए तैयार किया जाएगा। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, बम्बास, गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है, तो वही अब इनमें से कोई भी विदेश नहीं भाग पाएगा। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर अलर्ट भी जारी कर दिया है, तो वही शाइस्ता परवीन के खिलाफ अब एक बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल शाइस्ता के खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, शूटर्स और शाइस्ता के खिलाफ ये लुकआउट नोटिस जारी किया है, और अगर विदेश भागने की फिराक में शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम कहीं भी थे या उनके दिमाग में कहीं भी ऐसा ख्याल था तो अब वो विदेश नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि अब लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर ये अलर्ट जारी कर दिया है। तो शाइस्ता परवीन लगातार पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको ढूंढने के लिए लगातार पुलिस जद्दोजहद कर रही है। UPSTF छापेमारी अभियान चला रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है। जहां एक तरफ शाइस्ता पर लगातार इनामी राशि बढ़ती जा रही है, तो अब एक बड़ा एक्शन लिया गया है अतीक के पत्नी शाइस्ता के खिलाफ। दरअसल शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, लगातार जो UPSTF और पुलिस है वो जद्दोजहद करती हुई तो नजर आई, लेकिन शाइस्ता परवीन अभी भी उनकी पहुंच से बाहर है और अब शाइस्ता के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां लुकआउट नोटिस जारी किया गया। तो अगर लुकआउट नोटिस जारी करना ही था तो फिर ये नोटिस पहले भी तो जारी की जा सकती थी। देखिए, जिस तरीके से लुकआउट नोटिस अब शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ जारी हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये एक पूरी तरीके से पुलिस और एसटीएफ का एक बड़ा फेलियर है, क्योंकि जिस तरीके से 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को प्रयागराज में अंजाम दिया गया था, उस हत्याकांड के बाद से लगातार दोनों फरार हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से शाइस्ता परवीन के खिलाफ अब लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, लेकिन अगर पुलिस पहले ही शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार कर लेती, जिस समय शाइस्ता परवीन के पास से उनके दो नाबालिग बेटों को हिरासत में लिया गया था, उस समय शाइस्ता परवीन पुलिस के सामने थी, लेकिन जैसे ही शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी का वारंट इशू हुआ, उसके बाद से ही शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही, क्योंकि आज 81 दिन पूरे बीत चुके हैं, लेकिन UPSTF के साथ साथ पुलिस और खुफिया एजेंसियों की बड़ी चूक है कि आखिर शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम उनके हाथ नहीं लगे। फिलहाल जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही थी, फिर बात की जाए यूपी के, चाहे कौशाम्बी जिला हो या फिर यूपी से बाहर की बात की जाए, दिल्ली की, राजस्थान की, हरियाणा की, कई जगह पर छापेमारी की गई, लेकिन इन लोगों की गिरफ्तारी में किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली। आखिरकार लास्ट में इन लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया, जिससे कि ये लोग बाहर ना भाग पाए। ठीक है कलीम, जिस तरीके से लगातार आप हम तक अपडेट पहुंचा रहे थे कि छापेमारी से चंद मिनटों पहले ही या चंद घंटों पहले ही जो शूटर है और जो शाइस्ता परवीन है वो कहीं ना कहीं पुलिस की पहुंच से बाहर थे, यानी कि छापेमारी से पहले वो भाग जाया करते थे, तो क्या यहां पे ये कहा जाए कि ये पुलिस इनपुट का बड़ा फेलियर है या पुलिस की जो प्लान है वो कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, यही वजह है कि अभी तक शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम पुलिस से बहुत दूर है? देखिए, इसमें साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से शाइस्ता परवीन एक पुलिस विभाग की बेटी रही है, क्योंकि जिस तरीके से उसका पिता पुलिस विभाग में था, और दूसरी बात
जिस समय साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा था, उस दौरान आपको याद होगा कि 100 से अधिक पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया गया था। लेकिन जब इन ट्रांसफरों की मामले में जानकारी की गई थी, तो सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये जितने भी पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया जा रहा है, इनका सहयोग अतीक को मिलता था और लगातार इनके द्वारा उसको जो इनपुट दिए जाते थे पुलिस को, इसको लेकर के ये एक बड़ी जो कार्रवाई की गई थी, सभी को जो जिला से दूसरे जिला में भेजा गया था। तो कहीं ना कहीं ये साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अतीक की जो पत्नी साइस्ता है और उसका साथी गुड्डू और साबिर जो लगातार फरार चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि पुलिस का उनको इनपुट भी मिल रहा है, क्योंकि जब तक पुलिस उनके ठिकानों तक पहुंचती है, लेकिन उससे पहले ही दोनों लोग फरार हो चुके होते हैं। तो साफ है कि ये पूरी तरीके से फेलियर है, क्योंकि जो उनकी खुफिया एजेंसियों की बात की जाए, जो LIU की बात की जाए, वो भी लगातार इसमें फेलियर नजर आ रही है, क्योंकि वो कहा जाता है कि जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े रहते हैं और जो छोटे छोटे इनपुट हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उसके बाद अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी देते हैं। फिर चाहे इसमें बड़े अपराधियों की बात की जाए कि जो बड़े अपराधियों की भी गिरफ्तारी होती है, उनमें भी खुफिया एजेंसियों का बड़ा सहयोग रहता है, लेकिन ये सभी लोग इसमें लगातार फेलियर नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब जिस तरीके से लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि साइस्ता और गुड्डू नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका भागने की फिराक में है, तो इनकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। क्या इस लुकआउट नोटिस के बाद जिस तरीके से आज ये लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, उसके बाद बंदरगाहों के साथ एयरपोर्ट पर भी अलर्ट कर दिया गया है, तो क्या इतने दिन लेना सही था कि अगर शाइस्ता और अगर गुड्डू मुस्लिम को वाकई में विदेश अगर भागना होगा तो मेरे मुताबिक वो अभी तक बाहर जा चुके होंगे? देखिए, जिस तरीके से जो अब लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, तो इसमें हम अगर आपको थोड़ा पिछले घटना अब पीछे ले जाते हैं, जिस समय अतीक की शूटआउट में हत्या हुई थी या फिर जिस समय असद का इनकाउंटर हुआ था उसको लेकर के, क्योंकि शाइस्ता परवीन लगातार 6 दिनों तक प्रयागराज में ही छिपी रही थी, जबकि जो पुलिस टीम है वो लगातार प्रयागराज के साथ साथ कौशाम्बी और कई जिलों में छापेमारी कर रही थी, जबकि साइस्ता परवीन उन्हीं की नाक के नीचे 6 दिनों तक रही। उसके बाद जब वो फरार हो गई, तब जाकर पुलिस ने जहां पर वो ठहरी थी आतंकिया उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद जिस तरीके से उसको माफिया घोषित किया, लेकिन जिस तरीके से जो इनपुट थे वो इनपुट आखिर कैसे फेलियर हुए, क्योंकि जो खुफिया एजेंसियां थी वो आखिर कैसे फेलियर हुई, क्योंकि इस मामले को लेकर के जो पुलिस अधिकारी थे उनको भी संज्ञान लेना चाहिए था कि आखिर इस फेलियर के पीछे वजह क्या रह रही है, क्योंकि जिस तरीके से इसका पूरा इस्तकबाल की बात की जाए कि पूरा नेटवर्क, उसके बात की जाए जो नेटवर्क है वो प्रयागराज में इन लोगों का पूरी तरीके से फैला हुआ, क्योंकि जगह जगह इनके जो है जो लोग हैं वो फैले हुए, वो लगातार इनको जो है सूचनाएं दे रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि आखिर जो गोपनीय कार्रवाई है, क्योंकि गोपनीय तरीके से पूरी कार्रवाई की जा रही है, दबिशें दी जा रही हैं, तो इसमें आखिर उन तक इनपुट पहुंच रहा है, तो पहुंच कैसे रहा है, क्योंकि जब पहुंचती है पुलिस उससे पहले ही फरार हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब पुलिस दबिश देने जाती है तो दबिश के दौरान किसी को कानों कान भनक नहीं होती है कि आखिर ये पुलिस किसकी दबिश में जा रही है और वहां से बदमाश या आरोपियों की गिरफ्तारी भी करती है। लेकिन जिस तरीके से साइस्ता की बात की जाए या फिर गुड्डू की बात की जाए या फिर जो उसका सहयोगी शूटर है साबिर की बात की जाए, फिलहाल आखिर ये लोग पुलिस को चकमा देने में कैसे सफल हो रहे हैं, क्या कुछ इनपुट लीक हो रहे हैं या फिर गोपनीय जो बातें हैं क्या वो लीक हो रही हैं, इसके पीछे आखिर वजह क्या, या फिर फेलियर पूरी तरीके से कहा जाए, क्योंकि लापरवाहियां कही जाए या फिर फेलियर कहा जाए, क्योंकि पूरी तरीके से फेलियर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि 81 दिन बड़ी बात होती है, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना एक बड़े स्तर पर मानी जा रही है। अच्छा कलीम, बिल्कुल ये घटना तो बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था और लगातार शाइस्ता अभी तक फरार है। पुलिस छापेमारी करती है, तमाम राज्यों तक पहुंचती है और CCTV फुटेज तक सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर पुलिस कहां चूक रही है, सवाल बड़ा ये है। देखिए, सवाल तो वही लोगों के बीच बना हुआ कि आखिर चूक कहां से, क्योंकि जो इनका मेन तंत्र कहा जाता है खुफिया तंत्र, यानी कि जो LIU रिपोर्ट, जो LIU लगातार लोगों के बीच रहती है, उसमें भी पूरी तरीके से फेलियर है, क्योंकि अब जो काम हो रहे हैं वो केवल हीला हवाली के काम है, केवल खाना पूर्ति के काम है। इसी वजह से इसका पूरा फायदा जो है जो गुड्डू मुस्लिम है या फिर साइस्ता इन लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो एक CCTV सामने आया था जिसमें गुड्डू मुस्लिम साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो CCTV UP के बाहर जिले का बताया गया था, उसमें साफ तौर से SKF ने भी कहा था कि जब तक SKF की टीम वहां पर पहुंची थी तब तक गुड्डू मुस्लिम फरार हो चुका था। फिलहाल कयास ये लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम फरार है और साइस्ता परवीन फरार है, तो दोनों एक साथ ही है और जो साबिर है शूटर वो भी साथ में है, लेकिन जो CCTV फुटेज सामने आया था उसमें गुड्डू मुस्लिम अकेला पाया गया था।
फिलहाल जिस तरीके से जो एसटीएफ ने भी इस मामले में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी, एसटीएफ ने कहा था कि जो गुड्डू मुस्लिम है उसने पूरी अपनी होलिया बदल ली है कि आखिर जब वो एसटीएफ के सामने भी आएगा तो एक बार उसको पहचानने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि उसने पूरी होलिया बदल रखी है। लेकिन जो सीसीटीवी सामने आया था उसमें किसी तरह की कोई उसकी होलिया बदली हुई नहीं नजर आ रही थी। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके से अब लुकआउट नोटिस जारी हुआ है तो क्या लुकआउट नोटिस के बाद पुलिस या एसटीएफ को इस मामले में सफलता मिलेगी या फिर ये लोग इसी तरह उसके पीछे पीछे चलेंगे और शाइस्ता परवीन आगे आगे, क्योंकि बिल्कुल कलीम अब ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है क्योंकि आज लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है जिसके बाद एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाहों तक पे अलर्ट जारी हो गया है ताकि अगर किसी भी तरीके से शाइस्ता या गुड्डू मुस्लिम विदेश जाने का प्रयास करते हैं तो वो सफल ना हो सके। धन्यवाद कलीम हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक पल पल की अपडेट पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि अगर विदेश भागने के फिराक में थी माफिया की पत्नी, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं पुलिस को ये इनपुट मिले थे, जिसके बाद अब पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल शाइस्ता परवीन के साथ शूटर साबिर और गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि प्रदर्शनकारी पहलवान अब राष्ट्रपति को एक पत्र भी सौंपेंगे। इस पत्र के माध्यम से प्रदर्शनकारी पहलवानों ने पीड़ित महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाने की बात पर जोर दिया है। तो आपको बताते चले कि लगातार 23 दिनों से जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है जिसको लेकर वो लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। अब वही एक बड़ी खबर ये भी है कि जो सभी पहलवान है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन देते हुए न्याय की अपील करते हुए भी दिखाई देंगे। तो वही इस प्रदर्शन को लगातार बड़े नेताओं के साथ ही खाप पंचायतों का समर्थन भी मिला था। तमाम दिग्गज नेता इन सभी रेसलर से प्रदर्शन करने पहुंच रहे हैं क्योंकि ये सभी पदकवीर हैं, ये वही पदकवीर हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जिन्होंने महिलाओं का मान बढ़ाया है, ये वही महिला रेसलर्स है। लेकिन ये महिला रेसलर आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने को बीते 23 दिनों से मजबूर है। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुहानी हमारे साथ जुड़ी है। सुहानी, प्रदर्शनकारी पहल जो लगातार 23 दिनों से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, उन्होंने यह फैसला लिया है कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन देते हुए न्याय की गुहार लगाएंगे। आपको बता दें कि जो ये जो पहलवान जो है, आपको बता दें कि कितने दिनों से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। ये पहले भी जनवरी के महीनों में से कड़ाके के ठंड में प्रदर्शन पे बैठ गए थे और फिर उसके 3 महीने बाद फिर से धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं और ये लगातार 23 दिनों से धरना प्रदर्शन पे थे। इनका मेन जो इनका मेन मकसद है वो है जो ब्रिजभूषण सिंह, जो भारतीय कुश्ती के अध्यक्ष है ब्रिजभूषण सिंह, वही बीजेपी के सांसद भी है, उनका ये उन्होंने ये आरोप लगाया है कि यौन शोषण किए जो छोटे नाबालिग जो पहलवान है उन पर यौन शोषण का आरोप लगा है। उनका खास तौर पर यही कहना है कि जब तक इन पे कार्रवाई नहीं होगी इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम अपने धरना प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे। और इसको देखते हुए जो सरकार है उस पर भी एक कमेटी बैठाई, वही कमेटी बैठाई इसकी जांच करवाई और इस जांच में थोड़ी सी देरी होने, जो धीमे बहुत काम हो रहा है उसके लेके जो पहलवान है या साक्षी मलिक हो या बजरंग पुनिया हो या दिनेश फोगाट, जितने भी पहलवान है उनका यही कहना है कि जो हम गोल्ड मेडल लाए देश के लिए, हम नाम रोशन किए और हमारी ही चीजों में इतनी देरी हो रही है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये जो धरना प्रदर्शन लगातार 23 दिनों से चल रहा है, आप सोच सकती हैं कि जो ये पहलवान हैं हमें कई स्तर पर हमें ऊंचा उठाए हैं लेकिन इनके काम में ही इतनी जो देरी हो रही है तो कहीं ना कहीं इनके भविष्य के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। तो सरकार भी इस पे जल्द कार्रवाई करना चाहिए। आपको बता दें बिल्कुल, लेकिन सुहानी लगातार जो जांच का दौर है वो लगातार जारी है, जांच लगातार की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद क्या ये जो पहलवान है क्या ये जांच से या जांच की जो भी प्रक्रिया है उससे संतुष्ट नहीं है? क्योंकि अब ये भी खबर लगातार हम तक पहुंच रही है कि कहीं ना कहीं अब ये जो विदेश के जो मेडल धारक है उनसे भी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कह सकते हैं। जी मुस्कान, आपने सही कहा, क्योंकि अब जो साक्षी मलिक उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अगर ब्रिजभूषण सिंह सही है, उनपे कोई आरोप नहीं है तो अपना नार्को टेस्ट भी करवा सकते हैं। वहीं आज साक्षी मलिक ये भी कहा कि अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहलवानों से अपना समर्थन मांगेंगे। उन्होंने लगातार बयान देती रही है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री है उनको उन्होंने कहा कि आप मुझे समर्थन दीजिए, आप तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम लोग क्या बेटी नहीं है, हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको गर्व महसूस कराते हैं, हम जब मेडल लेके आते हैं तो हमारे साथ आप सेल्फी खिंचवाते हैं, लेकिन वही
जब हम धरना प्रदर्शन अपने लिए न्याय मांग रहे हैं तो आप अपने कान बंद करके बैठ गई हैं। तो तमाम ऐसे मंत्री भी हैं जो विपक्ष, आप देखिए कुछ दिन पहले देखी होंगी कि कांग्रेस नेता से लेकर प्रियंका गांधी, वही आम आदमी पार्टी के जो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल भी उनके समर्थन में गए। तो ऐसे तमाम जो विपक्ष नेता है वो भी जाकर उनके समर्थन दे रहे हैं। वही आज हम को बताते बीजेपी के जो नेता बीरेन्द्र सिंह, उन्होंने भी आज उनका जाकर समर्थन किया। उनका साथ यही कहना है कि जो पहलवान बेटियां हैं उनका हमें साथ देना चाहिए, उनका जल्द से जल्द न्याय करना चाहिए। तो बता देंगे सुहानी, कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां वो ये तो कह रही है कि पहलवानों का समर्थन करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनके बयान सुनो तो ये ज्यादा लगता है कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं इस प्रदर्शन के आड़ में। जी जी मुस्कान, अपने सही कहा, क्योंकि बृजभूषण सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश वर्सेस हरियाणा हो गया है, ये एक राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है। क्योंकि इसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जब प्रियंका गांधी गई थी वाड्रा मिलने उनसे, तो ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का चाल है और ये पूरी तरह से, और वही जब वहाँ पे आम आदमी पार्टी गए तो कहा जा रहा था कि उनको जो हरियाणा से हटाने के लिए, उनको हरियाणी सरकार बनाने के लिए सब किया जा रहा है। तो तमाम जो बीजेपी भी आरोप लगा रही है, वही दूसरे तरफ विपक्ष नेता भी के तमाम नेताओं पर आरोप लगाया जा रहा, कहा जा रहा है कि वही साक्षी मलिक ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात सुनते हैं लेकिन हमारे मन की बात क्यों नहीं सुन रहे, इसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और जो तमाम जो टिप्पणियां हैं उनका कहना है कि आज 16 मई को वो जाके जो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और वही आपको बता दें 11 मई को उन्होंने भी काला पट्टी बांधकर इस पे विरोध प्रदर्शन किया। तो ऐसे तमाम जो विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं जो पहलवानों का साथ, तो कहना कि जब तक बृजभूषण सिंह को जेल नहीं हो जाता, उन पर कार्रवाई नहीं हो जाती, हम अपना धरना प्रदर्शन जो बढ़ाते रहेंगे। वही साक्षी मलिक ने अभी एक नंबर भी एक उन्होंने एक वितरण किया, उनका कहना है कि जो भी हमारे समर्थन करना चाहते हैं पूरे देश के लोग इसके मिस कॉल देके हमें समर्थन कर सकते हैं। ठीक है सुहानी, मेरे एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से आज पहलवानों ने ये ऐलान किया है कि वो राष्ट्रपति मुर्मू को ज्ञापन सौंपेंगे, कब तक ये ज्ञापन सौंप सकते हैं? जी मुस्कान, आपको बता दें कि अभी इस चीजों का कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ साक्षी मलिक का कहना है कि हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गृहमंत्री को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। वही उनका साक्षी मलिक का साथ पे यही कहना है कि 21 तक हम डेडलाइन दे रहे हैं, अगर हम 21 तक कोई अच्छे हमको समर्थन में अगर नहीं आया सरकार की तरफ से तो हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहलवानों का हम अपना समर्थन मांगेंगे। वही तमाम इसमें जो खिलाड़ी उनके समर्थन करने के लिए उतर रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि ये जो पहलवान है कहीं ना कहीं इनका जो भविष्य है वो बहुत ही, क्योंकि हमें ये बहुत गर्व महसूस करा है, मेडल लेके आए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे जल्दबाजी करना चाहिए, वो जो सही हो या गलत हो, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया था, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी पूरी कार्रवाई करके रिपोर्ट सौंप दी थी, यहाँ तक दिल्ली पुलिस भी कई तरह से जितने भी उस पे यौन शोषण जो कहा जा रहा था कि लड़कियों का हुआ उनका भी बयान ले लिए हैं, 16 महिला जो छोटी लड़कियां थी उनकी भी बयान लिया गया है। तो ये सब जो कार्रवाई है वो किया जा रहा है। वही जो खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं उन्होंने लगातार इस पे अपना बनाए हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पहलवानों को थोड़ा सा इस पे धीरे रखना चाहिए, क्योंकि इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कभी भी पहलवानों बिल्कुल सुहानी जाहिर सी बात है कानून के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, और हमारी कानून व्यवस्था भी यही कहती है कि किसी भी जो निर्दोष उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो पहलवानों को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और उन्हें भी हमारे जो कानून है, जो न्याय व्यवस्था है, उस पर भरोसा रखना चाहिए। फिलहाल धन्यवाद सुहानी हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि प्रदर्शनकारी पहलवान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपते हुए इंसाफ की गुहार लगाते हुए दिखाई देंगे। वही कम से कम अगर आपको बताते चले कि 23 दिनों से जो पहलवानों का धरना है वो लगातार जारी, और अब पहलवानों ने बड़ा फैसला लिया है कि अब वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन सौंपेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। और साथ ही पहलवानों ने डेडलाइन भी दे दी है 21 तारीख तक की, कि अगर 21 तारीख तक कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं की गई, तो ये प्रदर्शन वो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक भी ले जा लेंगे। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।